गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने क्षितिज का गद्य खंड से प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी दो बैलों की कथा पढ़ी। आज हम क्षितिज का गद्य खंड से पाठ दो लहासा की ओर पढ़ने जा रहे हैं। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी की लिखी हुई कहानी है। इस लहासा की ओर कहानी में राहुल जी अपने तिब्बती यात्रा के बारे में बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आइए राहुल जी के जीवन पर जीवनी पढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंद्रह जिला आजमगढ़ में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। आइए अब देखते हैं कहानी। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। वह व्यापारी ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी किसी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबादी दिखाई पड़ती है। ऐसा ही परित्यक्त मीन्स अर्थात छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत और सब छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देंगे। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी के कूट कर उसमें दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख आपको दे देंगे। यदि बैठे की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर या फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोमला के पहले ही आखिरी गांव में पहुंच गए। यह भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गाँव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति मतलब अर्थात मन की रुझान पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवास में दुरुस्त अर्थात ठीक रखते हैं। अब हमें सबसे विकट अर्थात कठिन डंडा अर्थात ऊंची जमीन थोंगला पार करना था। थोंगला अर्थात तिब्बती सीमा का स्थान लेखक को पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मिलों का कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गाँव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे भी आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के
कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल खोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरतें देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुछी कुछी एक पैसा मांग पैसा कहते भीख मांग। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं थी। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ के लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत अर्थात सफ़ेद भीटे की ओर दिखने वाली पहाड़ी बिल्कुल नंगे थे। भीटे अर्थात टीले के आकार का ऊंचा स्थान नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डंडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवारी साथी हमारे साथ चल गए थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चल रहा था।